बहुत बहुत स्वागत है। और बिना किसी व्यवधान पे मैं आग्रह करता हूँ माननीय विधायक जी से कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करके आज के इस जनसभा के मंच पर माननीय जी का स्वागत करेंगे। उनके साथ ही राधा स्नेह दरबार की अध्यक्षा श्रीमती बिंदु बोरा जी हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे युवा कार्यकर्ता। इस विधानसभा की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस औपचारिक क्रम के बाद आज के इस ऐतिहासिक जनसभा में जो मणियाओं के इस तिराहे पर हो रही है, मैं आग्रह करता हूं माननीय महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी से कि वे आकर के आज के इस अवसर पर अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर विधानसभा की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में मौजूद भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सभी के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और डायनेमिक उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी के दिलों में राज करने वाले ऐसे आदरणीय नीरज सिंह जी, उत्तर विधानसभा के यशस्वी ओजस्वी विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, हमारे बीच मौजूद चुनाव के संयोजक पूर्व महानगर अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक बहन सुषमा खरकवाल जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, सांसद राज्यसभा आदरणीय ब्रजलाल जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी, हमारे बीच में मौजूद आदरणीय बिंदु बोरा जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, उपस्थित सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, आज माननीय रक्षा मंत्री जी का इस मणियामा क्षेत्र में आगमन हुआ है, आप सभी से हमारा निवेदन है माननीय रक्षा मंत्री जी का दोनों हाथ उठा करके करतल धुन से माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आप सभी लोग जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आने वाले 20 तारीख को आप सभी से हमारा आग्रह है, 20 तारीख के दिन मतदान है, गर्मी भरा दिन होगा, आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ 20 तारीख के दिन आप सभी निकल करके आप अपने पोलिंग बूथ पर जाइए और जाकर के मतदान करने की आवश्यकता है। और आप सभी से मैं आरो आग्रह करता हूँ कि 20 तारीख को मतदान करके आइए और घर के सभी लोगों का मतदान कराइए, उसके बाद आप संकल्प लेकर के जाइए कि तीन लोगों का मतदान, तीन परिवार वालों का मतदान आप सभी लोगों के माध्यम से होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने जो लक्ष्य रखा है वो प्राप्त कर पाएगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ वो तीन संकल्प हम लोग दोहराएंगे, उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम करूंगा। हम बोलेंगे अब कई बार, बोलेंगे फिर से एक बार मोदी सरकार, और लखनऊ बोले वो आप सभी लोग जोरदार तरीके से दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोले फिर से एक बार, पीछे से लेकर के यहां तक की आवाज आने चाहिए, सभी पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्षगण हमारे मौजूद हैं, फिर से एक बार, फिर से एक बार, अब की बार, अब की बार, लखनऊ बोले, लखनऊ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, माननीय महानगर अध्यक्ष जी के उद्बोधन के पश्चात अब बिना किसी औपचारिकता के मैं आमंत्रित करता हूं इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी को आज के इस ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी।
आज लखनऊ लोकसभा के इस उत्तर विधानसभा के सीतापुर रोड के ऊपर आयोजित इस विशाल जनसभा में हम सब के अभिभावक शेरे हिंद भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर गगनभेदी तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें आदरणीय रक्षा मंत्री जी का। आदरणीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, आदरणीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय बृजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, आदरणीय श्रीमान ब्रजलाल जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय हमारे सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री और सदस्य विधानसभा आदरणीय डॉक्टर अनुपमा जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित हम सब के प्रिय हर दिल अजीज दिलों में राज करने वाले ऐसे युवा नेता नीरज सिंह जी, हम सब के मध्य उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय मोहसिन रजा जी, हमारे मध्य उपस्थित अमित गुप्ता जी, मनोहर सिंह जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा अटल जी, आदरणीय अमित गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष राम शरण जी, बिंदु जी, मंचासीन अतिथिगण, और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी से स्नेह करने वाले कमल निशान का ये लहू में कमल बहाने वाला ऐसे कार्यकर्ता बंधुओं, माननीय पार्षद गण, माननीय पदाधिकारी गण और लक्ष्मणपुर के वासियों, मैं आप सबके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 2024 लोकसभा लखनऊ के चुनाव के प्रचार की यह अंतिम बेला है, अंतिम चुनाव सभा है, जिसमें हम सबको पाथेय देने के लिए आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी आए हैं। हम सब उनका पाथेय प्राप्त करेंगे, लेकिन मित्रों, हम सिर्फ उनको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लखनऊ का एक एक आदमी, लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब, लखनऊ के लोग माननीय राजनाथ सिंह जी से बेहद प्यार करते हैं। माननीय जी, आपने जो लखनऊ के लिए किया है उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो उन मशीनों से सिर्फ एक ही आवाज आ रही होगी, धन्यवाद राजनाथ जी, धन्यवाद राजनाथ जी। यह लखनऊ आपको प्रणाम करता है, यह लखनऊ आपको नमन करता है। मानी जी, हम सबका संकल्प पूरा होगा आपके लिए। यह लखनऊ वाले बेहद प्यार करते हैं। चर्चा हो रही थी 44 डिग्री टेम्परेचर है, मतदान के दिन भी ऐसा हो सकता है, सभा के दिन भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आज की सभा ने यह बता दिया 44 हो, 45 हो, लेकिन लखनऊ 5 लाख के पार होगा। आप सबको मैं पुनः बधाई भी देता हूं कि इस सभा के बाद जाकर गंभीरता के साथ आपको कार्य करना है, जुटना है, एक एक मत पड़े, लोग निकले, मतदान करें और घर से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और माननीय विधायक जी ने अपने संबोधन से यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आज से 2 दिन बाद जब 20 तारीख को मतदान होगा तो मतदान और तापमान दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी
उस प्रतिस्पर्धा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही विजयी होंगे, क्योंकि फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही आशियां बनाने की। इसलिए मित्रों, इस संकल्प के साथ हम सभी कार्यकर्ता इस चुनावी अभियान में कूद पड़े हैं। बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के बहुत ही तेज तर्रार, संघर्षशील और आप सभी से सहज संवाद स्थापित कर लेने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को कि आज के इस सभा स्थल को हम सभी के मध्य अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ लोकसभा के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लखनऊ के लोकप्रिय लोकसभा उम्मीदवार, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय संजय सेठ जी, आदरणीय ब्रजलाल जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय आनंद दुबेदे जी, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय भरत डांगर जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, आदरणीय अमित गुप्ता जी, शैलेंद्र सिंह अटल जी, आदरणीय गुड्डा अग्रवाल जी, आदरणीय टिंकू सोनकर जी, आदरणीय रामोतार कनौजिया जी, आदरणीय बिंदु बोरा जी, आदरणीय प्रवीण गर्ग जी, आदरणीय रामचरण सिंह जी, आदरणीय गंगाराम अंबेडकर जी, आदरणीय विशाल गुप्ता जी, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय सतीश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, दाहिनी तरफ बैठे हमारे सभी माननीय पार्षदगण, मंडल अध्यक्षगण और सामने खड़े बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गर्मी प्रचंड है और आपका उत्साह भी उससे बड़ा प्रचंड है, ये मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूं आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वास्तव में देवतुल्य हैं। इतनी प्रचंड धूप के बावजूद आप खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लहला करके आकाश की बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं परसों चुनाव है, परसों चुनाव है, अपने ताकत और जोश को परसों बूथ तक ले जाना है। एक एक वोट को कमल वाले खाने के आगे बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने का संकल्प जो आपने लिया है उसको पूरा करना है। हम सब जानते हैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ वासियों को जो अपना प्यार दिया है, जो अपना आशीर्वाद दिया है, इसके साथ साथ लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाया है। इसलिए मेरे भाइयों तथा बहनों, अभी जब हम लोग आ रहे थे तो लखनऊ में कालीदास मार्ग से चल करके यहाँ तक आने में पहले आधा घंटा से कम नहीं लगता था, अब तो 15 मिनट भी नहीं लगता है। फ्लाईओवर दर फ्लाईओवर चढ़ते हम लोग आ रहे हैं। महसूस हो रहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में जैसे लुटियन जोन में हम लोग सफर करते हैं, उस सफर का आभास हो रहा था। माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आने वाले 5 वर्षों में लखनऊ को नंबर 1 का सिटी बनाने का हम काम करेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे थे। हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, अपने भाई बहनों से विनती करते हैं। ज्यादातर लोग तो अपने ही यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ मानी जी ज्यादातर लोग अपने ही यहाँ के रहने वाले हैं। गांव में कहीं डरियो ना, घर से निकल करे एक एक और डरबे कहिया है तुमका, यो हम कहन ले आए हैं तुम्हारे बीच में, यहाँ करबे यो है कि अपने घर के सगरे ओटन कहिया ले जेबे है, अपने घर के जितने ओटन है उनका ले जेबे है, और अपने घर के दहिनी हाथ वाले दुई घर के कम से कम 10 ओटे, एक घर पर 5 ओटे,
और बाएं घाई वाले उनके घर ते पांच चोट और दूसरे घर वाले तेरे पांच चोट कुल 25 चोट हर आदमी ने कहिया डरबे कहिया है यू हम कहबे के लिए तुम्हारे बीच में यह आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता के। देखो हमारे सरपंच का माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहीं ना है कि सगरे घर का वोट डरवावे खाए तो हम आपका यू कहा चाहते हैं कि हम पंच यहाँ 5 लाख पर एक बदगे कोनो काम छोड़बे नहीं। जो आप कहे हो तो उन सब उत्तर विधानसभा में कह डरिए हैं और सब जगह तो लखनऊ संसदीय क्षेत्र में रात का अंधेरा मीटिंग भाई रहा है। हम लोग दिन दहाड़े मीटिंग कर रहे हैं और दिन दहाड़े मीटिंग करी थे कहे हम लुकाए छुपाए के हम लोग उत्तर विधानसभा वाला कोई काम करित नहीं है। जो उन काम करित ढंके की चोट पर करित है। तो भैया अब आप सभी को इससे पहले कि हम सब के अभिभावक और जिनके ऊपर हम सब लखनऊ वाले नाज करते हैं ऐसे आदरणीय श्रीमान राजनाथ जी से मैं करबद्ध निवेदन करूं। आप लोग से मेरा निवेदन है कि मैं उनसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। उनको चोट लग गई थी फिर भी वो आपके स्नेह में यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन है उनसे कि वो बैठ के ही आपको संबोधित करें। आप लोग सब अपने स्थान पर ऐसे ही बैठे रहिएगा। मेरा आग्रह है उनसे कि वे बैठ के ही हम सबको संबोधित करें। आप सब सहयोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी को निवेदन कर रहा हूं। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। तो जोर से राजनाथ सिंह जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। बलवा के बिहारी लाल की। हनुमान जी महाराज की। बहुत ताकत लगाई। बहनों भाइयों, भारत भारत माता जय। भारत माता की जय। यह आवाज बुलंद की है आपके विधायक नीरज बोरा जी ने, लेकिन मैं भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता हूं। केवल एक बार आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, एक भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए भारत माता की जय बोलते समय। मैं बोलूंगा भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक और आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज जी बोरा, लोकसभा संयोजक श्री मुकेश जी शर्मा, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, प्रिय नीरज सिंह, श्रीमती सुषमा जी खड़कवाल, महापौर श्री संजय जी सेठ, सांसद श्रीमान बिजलाल जी, सांसद राज्यसभा श्रीमान अशोक जी वाजपेयी, पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्रीमती अनुपमा जायसवाल, विधायक पूर्व मंत्री और श्रीमती बिंदु बोरा। और बिंदु बोरा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, नीरज बोरा को जो भी कामयाबी हासिल हो रही है उसमें बिंदु बोरा का बहुत बड़ा योगदान है। श्री अमित गुप्ता प्रभारी विधानसभा, श्री शैलेंद्र शर्मा अटल। अब शैलेंद्र शर्मा अटल का संचालन आप लोग देखते ही हैं कितना शानदार होता है। श्री राम अवतार कनौजिया, श्री राजीव गुप्ता अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, श्री राम शरण सिंह मंडल अध्यक्ष, श्रीमान गंगाराम जी अम्बेडकर, श्री विशाल गुप्ता, श्री लवकुश त्रिवेदी, श्री रमन निगम, श्री राकेश पांडे, श्री घनश्याम अग्रवाल, श्री टिंकू सोनकर, मनोहर सिंह, शरद वाजपेयी, भरत डांगर और आदरणीय दिवाकर जी त्रिपाठी और हमारे सभी यहाँ पर सम्मानित पार्षदगण, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, उत्तर विधानसभा की किसी सार्वजनिक सभा को अब तक जितनी भी सार्वजनिक सभाएं उत्तर प्रदेश विधानसभा मैंने
संबोधित किए हैं। भैरव भाइयों, यह दृश्य देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की सार्वजनिक सभा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं यहां के विधायक श्री नीरज बोरा, हमारे सारे पार्षदगण, हमारे सारे मंडल के पदाधिकारी और आप जैसे बहादुर कार्यकर्ताओं को। मेरे बहनों भाइयों, आप लोग जानते हैं कि 4 चरणों के चुनाव इस समय सारे देश में संपन्न हो चुके हैं। 4 चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे जो रुझान सामने आ रही है, अब समस्त देशवासियों का यह विश्वास पक्का होता जा रहा है 7वां चरण समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होने जा रही है। लखनऊ के विकास कार्यों का जहां तक प्रश्न है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि लखनऊ में बहुत हमने विकास कार्य करा दिया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस हद तक मैं अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता था उतना मैंने करने की कोशिश की है। बहुत सारी योजनाएं पूरी भी हो गई हैं और बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत हैं और उन पर आगे भी काम होना है। इसमें सभी का योगदान है, हमारे विधायकों का योगदान है, हमारे कार्यकर्ताओं का योगदान है। यदि उन्होंने मुझे न बतलाया होता कि यहां पर कठिनाई है, यहां फ्लाईओवर बनना चाहिए, यहां रोड बननी चाहिए, यहां पर यह काम होना चाहिए, वह काम होना चाहिए, शायद वह काम मैं न कर पाता। इसलिए जो भी विकास कार्य हुए हैं उसका पूरा श्रेय मैं अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं कि इस लखनऊ महानगर के विकास के प्रति उनके अंदर किस हद तक की जागरूकता है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 के पहले भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या थी यह आप लोगों से छिपा नहीं है, आप जागरूक नागरिक हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आज के 25 वर्षों पहले भी मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता रहा हूं और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे वह दिन भूलता नहीं जब भारत का कोई प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज के 10 साल पहले कोई विचार व्यक्त करता था तो दुनिया वाले कहते थे चलो एक कप चाय पीकर आते हैं, यानी हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोगों दुनिया के लोगों के द्वारा नहीं लिया जाता था। लेकिन आज बहनों भाइयों, आपको भी लाज होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा कर दिखाया है कि भारत का कद सारी दुनिया में सबसे ऊंचा हुआ है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। हमारी यहां की बहुत सारी विरोध पक्ष की राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के अफवाह फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पर आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि फिर से बन गई और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए तो आरक्षण की व्यवस्था यहां से समाप्त कर दी जाएगी। बहनों भाइयों, मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति करनी है तो सच बोलकर राजनीति करो, सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर की जा सकती है, झूठ बोलकर कभी सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों, इन लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, वह पहले से चली आ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ओबीसी कमीशन को भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाई, इतना ही नहीं, समाज के अन्य वर्गों के लोग जो कि पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित वर्ग में नहीं आते हैं,
उनके लिए भी 10% की आरक्षण की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की है मेरे बहनों भाई। फिर भी जनता को गुमराह करने की इन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। इनके अंदर साहस नहीं है, इनके पास मुद्दों का अकाल है ताकि मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ सकें, या केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन ये हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह कहते हैं यदि मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त हो गई तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र का गला घोटने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की सरकार ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद, लोकसभा चुनाव हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहीं हमारी संसद सदस्यता न चली जाए, हमारा प्रधानमंत्री पद न चला जाए। उन्होंने इस देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी, लाखों की संख्या में जनप्रतिनिधियों को उठाकर जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। मेरे बहनों भाई, गला इन लोगों ने घोटा है। धारा 356 के अंतर्गत चुनी हुई सरकारों को सबसे अधिक बर्खास्त करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है मेरे बहनों भाई। और मैं कह सकता हूं 50 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया है अकेले, कांग्रेस ने 90 बार किया है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, सपा के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी यदि कोई बात गलत हो समाचार पत्रों के माध्यम से अथवा चैनल के माध्यम से उसका खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर मैंने राजनीति की है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं क्या सच बोलकर राजनीति नहीं कर सकते आप? इनके पास मुद्दों का अकाल है। जब भी इनकी सरकार रही है देश के लिए और जनता के लिए जो भी किया जाना चाहिए नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी कोशिश रहती है कि जनता की आंखों में धूल झोंको। मैं आपको वो दिन भी आप याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी कहा कि मैं भारत की गरीबी को समाप्त करूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने भी कहा कि मैं भारत की गरीबी को समाप्त करूंगी। राजीव गांधी जी बने, उन्होंने भी कहा कि मैं भारत की गरीबी को समाप्त करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि भारत की गरीबी को समाप्त करूंगा। बहनों भाइयों, आंकड़े इस बात के साक्षी हैं, भारत के अर्थशास्त्रियों के ही आंकड़े नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के अर्थशास्त्रियों के और विभिन्न फाइनेंशियल फर्म्स वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े हैं। आजाद भारत के इतिहास में 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 10 से लेकर 12 वर्ष तक का समय लगेगा मेरे बहन भाइयों। मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं, मैं विज्ञान का छात्र हूं, गणित का छात्र हूं, मैं भी जब बोलता हूं तो सारी चीजों को ठीक तरीके से कैलकुलेट करने के बाद बोलता हूं। 10-15 वर्षों के अंदर भारत जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है बहनों भाइयों, कोई गरीब शेष नहीं बचेगा जो गरीबी रेखा के नीचे हो। भारतवासियों को गरीबी के संकट से निजात दिलाने के लिए क्या क्या योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की। प्रधानमंत्री ने इस हद तक जाकर चिंता की कि हमारी गरीब माताओं बहनों के घरों में भी शौचालय होना चाहिए, उनके पास भी, गरीबों के पास भी अपना पक्का मकान होना चाहिए, गरीब माताओं बहनों के आंखों से भी खाना बनाते समय अंगीठी और लकड़ी के धुएं के कारण जो आंसू नहीं आने चाहिए। क्या ऐसी संवेदनशीलता कभी भी आप भारत के इतिहास में आपने देखा था किसी नेता के अंदर रही हो, किसी प्रधानमंत्री के अंदर हो? आंसू ना आने पाए माताओं बहनों के आंखों में
एलपीजी गैस सिलेंडर दिया है। गरीबी अपने यदि कोई बीमारी होती है, रोगग्रस्त होता है, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज हो, क्या पहले किसी ने सोचा कभी? और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की या उनके स्वास्थ्य लाभ की, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने की है। लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है, क्योंकि जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार हुआ था, बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने कहा कि उसकी अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह संभालेंगे, और उन्होंने मुझसे कहा कि राजनाथ जी, इस बार 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितनी भी माताएं, बहनें, बाप, दादा, आजा, जितने भी सब सारे हैं, उनका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष किया जाएगा। यहां तक कि मैं स्ट्रीट वेंडर्स सड़कों के किनारे जो काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी वाले लखनऊ में भी आपको मिल जाएंगे, सुबह जाते हैं, मोबाइल दबाते हैं, और साथ ही बैंक से 10,000, 15,000, 20,000 का कर्ज लेते हैं, और शाम को जब अपनी दुकान उठाते हैं तो उस कर्ज की अदायगी कर देते हैं और मुनाफा लेकर घर चले जाते हैं। मारी या फिगर है, और ये कोई इसका प्रमाण यदि चाहता है तो प्रमाण भी हम देने को तैयार हैं। समाज का कोई भी वर्ग अछूता ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसे कि सरकार की योजनाओं का ठीक तरीके से लाभ न मिल सके। सभी की चिंता हमारी सरकार ने की है। कोरोना के संकट के दौरान, जबकि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, बड़ी संख्या में वहां काम करने वाले हमारे भाई बहन पैदल अपने घरों को वापस लौट रहे थे, खाने की किल्लत हो गई थी कोरोना के संकट के दौरान, तुरंत ही हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया बहनों भाइयों, और यह कहा कि हर परिवार में हर व्यक्ति को हम 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मुहैया कराएंगे। भारत के इतिहास में कभी सुना है आपने किसी गवर्नमेंट ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन मुहैया कराया हो गरीबों को? और मैं जानता हूं ऐसे भी परिवार हैं, एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग 5-5 किलो का मुफ्त राशन ले रहे हैं बहनों भाइयों, खा भी रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं। अब हमारी इसी योजना के कारण कांग्रेस के लोगों की धड़कन बढ़ गई है। वह कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 किलो देंगे। अरे बाबा, पहले क्यों नहीं सोचा? और आप जानते हो कि आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, आप 10 किलो क्या दोगे? बहनों भाइयों, धन दौलत के मामले में लखनऊ पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, यहां बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। धन दौलत के मामले में हमारा भारत 2004 से लेकर 2014 तक दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा यही भारत बहनों भाइयों दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात का दावा कर रहे हैं, दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। और ऐसे ही भारत आगे यदि बढ़ता रहा, 2027 आते आते बहनों भाइयों हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका, चीन और उसके बाद दुनिया का 3रा देश होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा मेरे बहनों भाई। और यहां पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं उनसे कहूंगा, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था फाइनेंशियल फर्म है मॉर्गन स्टेनले, उसने यह विश्वास व्यक्त किया है, और दुनिया का सबसे ताकतवर देश का अंबेसडर जो भारत में रहता है, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज के 20 दिन पहले उसने कहा कि यदि आप भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ,
यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ, यदि भविष्य पर आप काम करना चाहते हो तो भारत आओ। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, अंग्रेजी में कहा था उन्होंने इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो विश्व की महाशक्ति माना जाता है, उसका राजदूत, उस भारत के बारे में जिस भारत के बारे में धारणा आज के 10 वर्षों पहले इतनी खराब थी, आज यह दावा कर रहा है। हमारे कांग्रेस और सपा के दोस्तों को यह दिखाई नहीं देता? और सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, 2047 क्रॉस करते करते भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो विश्व की महाशक्ति हम दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं बनना चाहते, दुनिया के किसी देश पर हुकूमत करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की भूमि पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष दुनिया में किसी देश की धरती से हुआ है तो हमारे और आपके देश की धरती से हुआ। जो भी हम काम करते हैं देश के लिए बहनों भाइयों, और मैं जानता हूं इस आजाद भारत में लोकतांत्रिक तरीके से अपने मतों का प्रयोग करते करते हमारे देश की जनता काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो चुकी है। हमें क्या करना, कहां क्या फैसले करने, इसका फैसला करने की कुवत भारत के अंदर है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, बेटा एक मिनट बहनों भाइयों, एक बात मैं कहना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा, गंभीरता पूर्वक मेरी बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस समय अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन चल रहा था सबसे बड़े संत वही बने हुए थे, और उस समय उन्होंने देश की जनता से वादा किया था हमारा आंदोलन सफल हो गया तो हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। उनके गुरु अन्ना हजारे वह कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल कभी भी राजनीति में मत जाना, राजनीतिक पार्टी मत बनाना, नहीं तो हमारे आंदोलन की जो पवित्रता है, हमारे आंदोलन की जन सामान्य में जो विश्वसनीयता बनी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे की चिंता नहीं की, अलग से आकर दिल्ली में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और इस समय सरकार चला रहे हैं, और इस समय वो जेल की हवा खा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं, और मैं इस देश यहां देश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से एक मैं कहना चाहता हूं, वो हमसे आयु में छोटे हैं लेकिन एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं सम्मान के भाव से मैं कहना चाहता हूं, परसों के दिन जब केजरीवाल के साथ इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा बहनों भाइयों, मुझे ग्लानी हुई है। मुख्यमंत्री के घर में उन्हीं की महिला सांसद, उसे लात और घूसों से पीटा गया, और उसके साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैठकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इन लोगों ने देश को तमाशा बना लिया। उनकी समझ में यह बात आनी चाहिए, जाति पंथ और मजहब और धर्म के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं की जा सकती है, राजनीति यदि की जा सकती है तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर ही राजनीति की जा सकती है। यह कहते हैं कि भाजपा की
भाजपा की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, और मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि हम आपको धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, यदि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का यदि कोई प्राविधान हो तब तो मैं भी यह बोल सकता हूं। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता ही नहीं है, फिर भी सरासर झूठ। पढ़े लिखे अधिवक्ता है यहां पर, एक से एक दिग्गज है, बराबर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया। हम लोगों ने कभी भी हिंदू मुसलमान ईसाई और यहूदी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है हम सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, बहनों भाइयों। इस आधार पर मैं लखनऊ को ले चलना चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री देश को ले चलना चाहते हैं। ये बराबर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम उनके मन के अंदर भय पैदा करके हम उनका समर्थन नहीं लेना चाहते, बल्कि अल्पसंख्यक भाइयों के मन के अंदर भी मोहब्बत और प्यार पैदा करके हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा अखबारों में, टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, वीडियो देखा होगा, एक मुख्यमंत्री के आवास के अंदर एक महिला सांसद को लात और घूसों से पीटा जा रहा। अरे रंच मात्र भी तो हया होनी चाहिए, लगता हया लाज इन लोगों ने पीकर डकार लिया। बहनों भाइयों, लोक लाज के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता है, बिना लोक लाज के लोकतंत्र नहीं चल सकता। परिवार भी चलाना होता है, परिवार भी चलाना होता है, परिवार में भी लोक लाज रहता है तभी परिवार चलता है। समाज भी यदि चलता है तो बिना लोक लाज के समाज नहीं चल सकता। इन लोगों के अंदर लोक लाज भी नहीं रह गया। बराबर इस देश की माताओं बहनों से कहते रहे, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको भारत की संसद में, आपको भारत की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देंगे। यह इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन बहनों भाइयों, हमारी सरकार आई है। आज ही मैं बतलाना चाहता हूं, हमारा यह अगला टर्म जो 5 साल का होगा उसमें हम हिंदुस्तान की माताओं बहनों को भारत की संसद में और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देंगे। महिला सशक्तिकरण के बिना शक्ति स्वरूपा होती है, महिला सशक्तिकरण के बिना हमारा देश भी सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने मतों का फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। अब एक बात चलती है बार बार, कांग्रेस के लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके पीओके पीओके। बहनों भाइयों, 3 साल पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में देश के सेना के जवानों अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा पीओके के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके 1 साल 1.5 साल के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से यह आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यदि हमारी बात गलत है कोई प्रमाणित कर दे। और बहनों भाइयों, आज भी आपने देखा होगा वीडियो, शायद कुछ लोगों के पास होगा, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है,
पीओके के रहने वाले लोगों के द्वारा ही उतारा जा रहा है। और बहनों भाइयों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि दुनिया में कहीं पर भी मानवाधिकार का यदि उल्लंघन हो रहा हो, मानवाधिकारों का हनन यदि हो रहा उसका वह संज्ञान ले। तो आज इस लखनऊ के मंच से मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करना चाहता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका संज्ञान ले, मैं अपील करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैंने यह भी देखा है, लोग ये कहते हैं अरे साहब एक वोट हम नहीं देंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा, जीत तो जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, आप कभी कभी लोग कहते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग, एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। बहनों भाइयों, जिस पार्टी को आपको वोट देना है वह पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, वह पार्टी देश बनाने के लिए राजनीति करती है, करके दिखा दिया। जैसे 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 आपकी परिवार के प्रति जिम्मेदारी बनती है, मैं समस्त लखनऊ वासियों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, परिवार का एक भी सदस्य शेष नहीं बचना चाहिए जो मतदान न करे। आप मतदान हमको करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं न करिए, विपक्षी को देना चाहते विपक्षी को दीजिए, लेकिन जो इच्छा हो करिए, लेकिन मतदान करने मतदान केंद्रों पर आप जाइए, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, देखिए छोटी छोटी चीजों पर किस हद तक हम लोगों ने ध्यान दिया है, छोटी छोटी चीजें पर। आपने देखा होगा 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा हो गया, 2019 में फिर लोकसभा, 2022 में फिर विधानसभा, 2024 में फिर लोकसभा। आपके मन में भी यह सवाल खड़ा होता होगा हम कितनी बार वोट दें। बहनों भाइयों, देश में लोगों का श्रम भी बचना चाहिए, संसाधन भी बचने चाहिए, समय भी बचना चाहिए, इसकी चिंता करते हुए हम लोगों ने फैसला किया है और इस बार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि अपनी सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे। देश हित में जो भी फैसले किए जा सकते हैं वह फैसले लेने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रंच मात्र भी संकोच नहीं करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का सचमुच 56 इंच चौड़ा सीना है, साहसिक फैसले लेने में कभी संकोच नहीं कर। अब उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको इस तरीके से फैलाया गया है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कहा क्या था, अर्थ क्या निकाल लिया। कांग्रेस के ही एक एडवाइजर सलाहकार सैम पित्रोदा, हर सलाह वही देते हैं कांग्रेस को, बड़े बड़े सलाह आर्थिक मामलों में, आजकल विदेश में रहते हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं, अब उनसे त्याग पत्र ले लिया इन लोगों ने। उन्होंने कहा एक व्यवस्था भारत में लागू की जानी चाहिए कि घर का यदि मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी 55% उसकी संपत्ति सरकार के द्वारा जब्त कर ली जानी चाहिए और उस परिवार के पास केवल 45% संपत्ति छोड़नी चाहिए। आपको मंजूर है?
अरे भाई ये, मैं समझता हूं आधे से अधिक संपत्ति, आधे से अधिक संपत्ति यदि आपकी जब्त कर ली जाएगी, क्यों आप काम करेंगे, क्यों पैसा कमाएंगे, क्यों देश के आर्थिक विकास के लिए आप अधिकतम निवेश करने की आपके दिल के अंदर तड़पन होगी, क्यों होगा? एक से एक अनाप शनाप बातें इन लोगों के द्वारा की जा रही है। बहनों भाइयों, रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं बतलाना चाहता हूं, जिस समय मैं रक्षा मंत्री बना था हालत यह थी यहां की, हर चीज छोटी छोटी चीजों भी ये विदेशों से मंगाते थे, फायर आर्म्स, तोप, गोले, मिसाइल्स। और लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है बहनों भाइयों कि हम लोगों ने अभी हाल में ही फाइटर प्लेन, तोप, गोले, मिसाइल दुनिया के देशों को सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट किया है, और 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हमने किया है। पांच वर्षों के अंदर हमारा यह एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ से अधिक का होगा, 50,000 करोड़ से ज्यादा का हमारा एक्सपोर्ट होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प ले रखा है, उन्होंने कहा है कि राजनाथ जी चाहे जो कुछ भी हो रक्षा के मामलों में भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमने तो प्रतिबंध लगा दिया, हजारों ऐसे आइटम्स, मैंने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे, भारत में बनेंगे, भारत के कारखानों में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। बहनों भाइयों, यह देश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ यह देश आगे बढ़ रहा है। और आप सुनना चाहते हैं, आप अपना वीडियो निकाल लीजिएगा कहीं से, पाकिस्तान के एक सांसद फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने की दुनिया से भीख मांग रहा है। क्या इससे आपको नहीं लगता है? क्या इससे आपको नहीं लगता है कि हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोस्तों के अंदर जो स्वाभिमान का भाव होना चाहिए, क्या वह शून्य होता जा रहा है? एक और फवाद साहब, वहां के फार्मर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा, जानते हैं, उन्होंने कहा कि भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, स्वीकार किया है, और उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तारीफ की है। बहनों भाइयों, पाकिस्तान के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, हर पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा भारत, हमारा परिवार है, इसमें विश्वास करने वाले लोग। भारत में जो उत्थान होगा, विकास होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में उसके साथ भेदभाव नहीं होने पाएगा, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। और जिसको यदि तर्क करने की, जो यदि कोई तर्क करना चाहता है, आज मैं खुलकर बातें कर रहा हूं, यदि कोई हमसे तर्क करना चाहता है तो इस मुद्दे पर आकर तर्क कर सकता है। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, लखनऊ के भाईचारे को किसी भी सूरत में बिगड़ने मत देना, मेरी आप सबसे अपील है। हम वोट की परवाह नहीं करते, वोट मिले अथवा न मिले, हम केवल वोट के लिए राजनीति हम लोग नहीं करते। अरे भारत तो एक ऐसा देश है मेरे बहनों भाइयों, भारत एक ऐसा देश है जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी
नागपंचमी के दिन दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने का कामना यदि कोई देश करता है तो भारत करता है। हमें चाहे कोई किसी भी जाति किसी भी पंथ किसी भी मजहब किसी धर्म का कोई क्यों न हो, उसे नफरत क्यों होनी चाहिए? हमारे मन में कभी भी उसके प्रति कोई नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से भी सबसे अपील करना चाहता हूं, समस्त लखनऊ वासियों से, आज यह चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी भड़ास इस समय निकालूं। बहनों भाइयों यह गलत प्रचार कर करके लोगों ने भारत के समाज को बांटने की कोशिश की है। हमसे कोई पूछे, मंत्रिमंडल में भी प्रधानमंत्री जी के बाद तो मैं ही हूं, पूछे कोई? यदि प्रधानमंत्री हमारे सांप्रदायिक होते, हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर उनको भेदभाव करना होता तो 5 किलो राशन सबको बना मैं बिना भेदभाव के बंटवाते, आयुष्मान भारत का कार्ड बिना भेदभाव के देते, पक्का मकान कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान ईसाई और यहूदी देखा है? बहनों भाइयों, देश का भविष्य आपके हाथों में है और लखनऊ के लोग बड़े जागरूक हैं। आप सारे दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। आपके अंदर वह ताकत है, आपके अंदर वह बौद्धिक क्षमता है। आप कल्पना करिए, फवाद हुसैन पाकिस्तान से राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और वही फवाद हुसैन कहते हैं कि भारत में जो आतंकवादी वारदातें होती हैं वो पाकिस्तान से आतंकवादी भेज जाते हैं, वो व्यक्ति राहुल गांधी की तारीफ कर रहा। आपने देखा होगा आए दिन आतंकवादी वारदातें हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में होती थी, लेकिन मेरे भाइयों आपने देखा होगा कश्मीर के एक दो घटनाओं को छोड़कर भारत में कहीं पर भी कोई आतंकवादी वारदात नहीं हो सकती है, शासन इसे कहते हैं। भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मेरे बहनों भाइयों, हम किसी को आंख नहीं दिखाते और आज तक भारत का इतिहास उठाकर कोई देख ले, दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा भी नहीं किया, किसी के ऊपर हमने आक्रमण नहीं किया, यह है हमारा चरित्र। लेकिन भारत को आदि आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा, भारत हमारा कमजोर भारत नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है। बहनों भाइयों, जो भी यहां विकास कार्य हुए हैं, एक मिनट भैया, अरे भाई शांत रह जाओ, जो भी विकास कार्य हुए हैं बहनों भाइयों, राजनाथ सिंह ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, आपने मुझे चुनकर भेजा, हमारे अंदर जितनी क्षमता थी मैंने करने की कोशिश की है, हमने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की है। और आगे भी बतला देता हूं, बहुत सारी हमारी योजनाएं पेंडिंग हैं, स्वीकृत हैं, काम इतना अधिक स्वीकृत हो चुका है एक साथ सारा काम नहीं हो पा रहा है। हमने यहां तक इस हद तक भाई चुप रहिए, नहीं बोल पाऊंगा, इस हद तक हमने चिंता की है, हमारे लखनऊ वासियों का स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, तो मैंने अपने विधायकों से, हमारे ब्रजेशी पाठक हैं यहाँ के, उप मुख्यमंत्री हमारे नीरज बोरा जी हैं, इन सब सारे लोगों से, अपने हमारे अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों से बात करके मैंने कहा भाई लखनऊ वालों की सेहत भी ठीक होनी चाहिए,
पार्क जितने पार्क हैं सब में जिम की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हद तक जाकर हम लोगों ने चिंता की है। और मैं समझता हूं क्षेत्र में भी कोई काम तो हुआ होगा। हाँ, फजुल्लागंज वाला भी यह काम हुआ है, लेकिन फजुल्लागंज का काम हुआ था, आपके ऊपर हमने एहसान नहीं किया है। आपने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया है, मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं। और आप लखनऊ लखनऊ वालों मेरी बात सुन लो, मेरे बहनों भाइयों, आज आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि जिस लखनऊ में मैं रहता हूं विश्व के टॉप 10 सिटीज में हमारा लखनऊ आ गया है, विश्व के टॉप के 10 देशों में आकर हमारा लखनऊ खड़ा हो गया। हमारी कोशिश है कि इस लखनऊ को लाकर दुनिया की 5 सिटीज हों, 5 शहर हों, तो उसमें हमारा लखनऊ भी हो। इस विकास कार्य में जब भी जो भी मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी से, चाहे एयरपोर्ट का प्रश्न हो, चाहे रेलवे गोमती नगर रेलवे स्टेशन, आलमबाग रेलवे स्टेशन, चारबाग, बहुत सारे रेलवे स्टेशन, यह सब पूरा सहयोग दिया है लखनऊ के विकास के लिए। इतना ही नहीं, हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भाई चुप, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बहनों भाइयों, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई काम कहा हो विकास से संबंधित और योगी जी ने कहीं भी आनाकानी की हो, कभी नकारा हो, कभी नहीं किया। लखनऊ के विकास कार्यों का श्रेय मैं अपने मुख्यमंत्री को भी देना चाहता हूं। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबका सहयोग चाहिए। और 20 मई को सार्वजनिक अवकाश होगा, छुट्टी होगी, ऐसा नहीं है कि तफरी करने निकल जाइएगा। और मैं तो कह रहा हूं एक जश्न के रूप में इसे मनाया जाना चाहिए, जश्न के रूप में, त्योहार के रूप में मतदान को लिया जाना चाहिए। और मैं तो सचमुच अपने विधायक नीरज बोरा को बधाई देना चाहता हूं। नीरज बोरा को इसलिए बधाई देना चाहता हूं, मैंने देखा है, मैं बराबर बोलता नहीं हूं, इनसे भी कभी मैंने बोला नहीं है, आज पहली बार मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से जनता के हितों की चिंता हमारे नीरज बोरा करते हैं, उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। माने आप यह समझिए या मेरे नाकों में भी दम किए रहते हैं। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत समय अब हो गया है, समय और हो गया नहीं तो आज मैंने सोचा था खूब बोलेंगे, इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हुए, एक बार शीश झुकाकर पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ऊंचाइयां इस बात की तस्दीक करती हैं कि 20 मई को जब मतदान होगा और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 5 लाख से अधिक मतों के उस संकल्प से भारतीय जनता पार्टी के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हम निर्वाचित